में मैं मोदी जी से और योगी जी से कहती अब इनका बुलडोजर कब उनके घर पे चलेगा। ऐसे तो बहुत एक्शन लेते हैं। और इनका जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो बेटी बचेंगे ही नहीं, तो बेटी को पढ़ाएंगे किस लिए? नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। इस खबर से आपको स्मृति ईरानी जी की याद जरूर आ जाएगी। अरे वही स्मृति ईरानी जी जो कांग्रेस की मनमोहन सरकार में हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करती थी। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर होते अत्याचार, इन सब मामलों पर सरकार को मैडम घेरती थी। वही ईरानी जी जो मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी। लेकिन 2014 के बाद से चूड़ियां महंगी हो गई, महंगाई है नहीं, बेरोजगारी है नहीं, महिला अत्याचार बढ़ा नहीं, इसलिए मैडम खामोश रहती है। और जब भी कोई घटना होती है और सरकार पर तमाम सवाल खड़े होते हैं तो उस वक्त मैडम खामोश हो जाती है। दरअसल मामला यह कि पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में BHU की छात्रा से 3 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। वो तीनों BJP के पदाधिकारी थे। बाद में विपक्ष के हंगामे और छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए तीनों को BJP ने निष्कासित कर दिया। उस घटना पर स्मृति ईरानी जी खामोश थी। गोदी मीडिया सरकार से सवाल पूछने पर डर रही थी और सवाल पूछ भी नहीं रही थी। ना ही BJP नेताओं से किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने सवाल पूछा हो तो जरा बताइए। लेकिन तस्वीरों में दिख रही इन महिलाओं ने वही काम किया है जो स्मृति ईरानी जी करती थी, लेकिन अब नहीं कर रही वो, क्योंकि अब वो सरकार में मैडम मंत्री है, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करती है। ये महिलाएं प्रधानमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगा रही है और महिलाएं PM मोदी को चूड़ियां भी बेच रही है। UP कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो एक्स पर ट्वीट किया गया है और उसमें लिखा है कि IIT BHU की छात्रा के साथ हुए गुनाह में भाजपा पदाधिकारियों के गुनहगार निकलने के बावजूद भी किसी भाजपाई नेता के मुंह से चू तक नहीं निकल रहा। बेटियों की दुश्मन बनी बैठी जुमला पार्टी के शीर्ष नेताओं की जुबान में अब भी तो हरकत आ जाए तो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश है। जरा आप सोचिए कि अगर किसी कांग्रेस शासित राज्य में ये घटना हुई होती और वो सभी आरोपी दूसरी पार्टी के होते तो क्या होता? तब तो भाजपा के तमाम नेता उस राज्य में पहुंच जाते और गांधी परिवार पर, कांग्रेस पर तमाम सवाल के बौछार खड़े हो जाते। लेकिन यूपी में जहां भाजपा सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है उस राज्य में, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जब ऐसी घटना होती है, वो भी BJP नेताओं के द्वारा, तब हो हल्ला नहीं होता, तब कोई नहीं बोलता। और तो और बुलडोजर भी तब शांत हो जाता है, वही बुलडोजर जो हर वक्त तैयार रहता है गरजने के लिए। लेकिन BHU की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के घर बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। अब इस मामले में जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वही सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। लोग बुलडोजर को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आपका बुलडोजर कहां पहुंचा है, कहां है। सनोज गौतम नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि जिस प्रकार सरकार अपने विपक्ष के गुंडे के करीबियों को खोजकर बुलडोजर चलाने का कार्य जारी रखे है, क्या उसी तरह BHU की छात्रा के साथ हुए बलात्कारियों एवं उनको पना देने वालों पर कार्रवाई के साथ बुलडोजर चलेगा? कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान एवं सक्षम पटेल, 3 नाम वो यूजर लास्ट में लिखता है। वहीं प्रारित नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि एक बार लाल किले से इन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन BJP कार्यकर्ता तो एकदम आगे बढ़ गए और बेटियों का रेप करने में लगे। BHU रेप इसका ही उदाहरण है, बुलडोजर चलाने का इंतजार है, कब चलेगा? वही गौरव गोयल नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि PM मोदी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखते हैं कि जनता के पैसे की लुटाई, देश के संवेदनशील मुद्दे मणिपुर और BHU पर बोलने पर साहब को शर्म आई। वही SK सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि सुना है बुलडोजर निकला था, लेकिन जैसे ही पता चला कि नाम तिवारी और सिंह है तो बीच रास्ते में उसका डीजल खत्म हो गया। वही महिलाएं क्या कुछ कह रही इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको हम सुनाते हैं। जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए कि देश में, प्रदेश में BHU में हुए छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों में कितना आक्रोश है। जरा इस वीडियो को आप देखिए। अभी कुछ दिन पहले बनारस की बेटी के साथ जो गैंगरेप ग्रुप हुआ है, मालूम होने के बावजूद भी वो बच के निकल गए। IT सेल के BJP की कार्यकर्ता थे, अब क्यों नहीं? मैं मोदी जी से और योगी जी से कहती अब इनका बुलडोजर कब उनके घर पे चलेगा? ऐसे तो बहुत एक्शन लेते हैं।
और इनका जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो बेटी बचेंगे ही नहीं, तो बेटी को पढ़ाएंगे किस लिए? और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी और हमारी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रिबी श्रीवास्तव जी के निर्देश पे हमारी पूरी महिला समिति की कमेटी पूरे प्रदेश भर में महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन डीएम साहब के द्वारा दिया गया है, और उसी रोष में कि जो गैंगरेप हुआ है, गैंगरेप के विरोध में जो छात्राओं ने प्रदर्शन किया था उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराओं को वापस लिया जाए और बलात्कारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होके उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उस बनारस की लड़कियों को न्याय दो। अगर यही हाल रहा तो 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, महिलाएं उनसे जोर शोर से हिस्सा लेंगी और महिलाएं अगर तख्ता पलट दीं तो शायद ये सरकार दोबारा नहीं बन पाएगी और हमारी पूरी गठबंधन की सरकार ही बनने वाली है और 2024 में लोकसभा के चुनाव में आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो सुना आपने किस तरह से तमाम लोग हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं से आज लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों खामोश है इस मुद्दे पर, क्यों आप नहीं बोल रहे हैं। तमाम लोग नरेंद्र मोदी जी की फोटो को शेयर करके उनसे सवाल कर रहे हैं कि मणिपुर और बीएचयू जैसे मामले में आप क्यों शांत है, क्यों नहीं बोलते हैं आप, और बुलडोजर कहाँ है साहब का? जो बुलडोजर गरजता है गुंडे माफियाओं के ऊपर चलता है वो बुलडोजर आज कहाँ है, बुलडोजर आज नहीं पहुंचा उनके घर तक। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।